बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। स्टूडेंट्स वेलकम टू द चैनल। एक्सरसाइज 3.4 11 क्लास मैथ क्वेश्चन नंबर 4 तक हमने पिछली वीडियो में किए थे। क्वेश्चन नंबर 5 से आगे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है शो ए ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक फॉर एनी 2x3 ऑर्डर मैट्रिक्स। कह रहा है कि साबित करो कि ए और ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक हैं। ये दो पार्ट्स हैं इसके, इसको सिमेट्रिक साबित करना है, इसको भी सिमेट्रिक साबित करना है। और मैंने आपको बताया था जिसको सिमेट्रिक साबित करना हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए तो वो उसी के इक्वल आ जाता है। तो हम कहते हैं कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है। हमने इसको अब सिमेट्रिक साबित करना है तो हम इसका ट्रांसपोज ले के साबित करेंगे कि ये इसी के इक्वल आ जाता है, ए ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ जाता है। शो ए ए ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज ए आर सिमेट्रिक। पहले हम इसको करते हैं ए ए ट्रांसपोज, इसको सिमेट्रिक साबित करना है तो इसका ट्रांसपोज ले लेंगे, साबित करेंगे कि फिर यही चीज़ आ जाती है, ए ए ट्रांसपोज ये आंसर आ जाता है। तो इसका ट्रांसपोज ले लिया, इसको सिमेट्रिक साबित करना है, इसी का ट्रांसपोज ले लिया। अब जब ट्रांसपोज अंदर अप्लाई करते हैं तो मैंने आपको बताया था कि इसका ट्रांसपोज पहले किया जाता है इस रकम का, फिर उसका, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज पहले फिर उसका, दोनों को अलग अलग ट्रांसपोज लग जाएगा। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज फिर इस ए का ट्रांसपोज। ये भी आपको बताया था कि अगर दो दफ़ा ट्रांसपोज आ जाए किसी मैट्रिक्स का तो फिर वो उसी अपने ही इक्वल आ जाती है, ये ए के ही इक्वल आ गई। इधर से ए ट्रांसपोज एज इट इज़ रहा। तो देखें इसका ट्रांसपोज लिया है फिर वही चीज़ आ गई है ये वाली। तो साबित हुआ ए ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिया है तो ए ए ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया है, इसी के इक्वल आ गया है, साबित हुआ। सो ए ए ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है। इसी तरह से हमने साबित करना है ए ट्रांसपोज ए को सिमेट्रिक साबित करना है तो इसको सिमेट्रिक साबित करना है, इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज ले लिया, फिर उसी तरह से खोल लें, इसका ट्रांसपोज पहले लगाएंगे अगली मैट्रिक्स का, इसका पहले और फिर इसका, इस ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये आ गया और इसका ट्रांसपोज इसका ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ट्रांसपोज ये आ गया, इसको पहले लिखा और उसको बाद में, ये बना ए ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 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 दो दफ़ा आ जाए तो ख़त्म हो जाता है, बाकी रह गया सिर्फ ए। तो देख लें आपके पास फिर वही आ गया है, हमने इसका ट्रांसपोज लिया है लेकिन ये अपने ही इक्वल आ गया है। तो साबित हुआ कि ए ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज जो है ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल आ गया है। तो यही डेफिनेशन थी सिमेट्रिक होने के लिए कि उसका ट्रांसपोज लिया जाए वो अपने ही इक्वल आ जाए। तो साबित हुआ सो ए ट्रांसपोज ए इज सिमेट्रिक, यही हमने इसमें करना था। इसके बाद करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है ए ए ये एक मैट्रिक्स है आयोटा 1+ आयोटा 1 और -आयोटा। साबित करना है कि ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज, यानी इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज इसमें ऐड करें तो वो हर्मिशियन आता है। अब हर्मिशियन क्या है? अगर किसी मैट्रिक्स का कंजुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए, कंजुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए के ही इक्वल आ जाए, तो हम कहते हैं कि ए जो है ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। और अगर उसके कंजुगेट का ट्रांसपोज किया जाए, कंजुगेट लेकर उसका ट्रांसपोज किया जाए तो आए तो ए के ही इक्वल लेकिन साथ माइनस भी आ जाए, तो फिर हम कहते हैं कि ये सिक्योर हर्मिशियन है, ए इज सिक्योर हर्मिशियन। किसी मैट्रिक्स के कंजुगेट का ट्रांसपोज, कंजुगेट क्या होता है मैट्रिक्स का, कि जो उसमें अयोटा की लामतें होती हैं वो चेंज कर देते हैं, प्लस हूँ तो माइनस कर देते हैं, माइनस हूँ तो प्लस कर देते हैं, तो वो उसका कंजुगेट बन जाता है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज हर्मिशियन साबित करना है, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे। पहले हम ए का कंजुगेट निकाल लेंगे, ए हमारे पास ये है अयोटा 1+ आयोटा 1 और -आयोटा, इसका कंजुगेट ले लें। कंजुगेट का मैंने आपको बताया अयोटा की लामतें बदल दें, प्लस अयोटा है माइनस कर दें, यहाँ पर भी प्लस अयोटा है लामत चेंज कर दें, माइनस अयोटा कर दें, 1 ये माइनस अयोटा है इसको प्लस अयोटा बना दें, जो जो जहाँ जहाँ पर अयोटा है उसकी लामत चेंज कर देंगे तो उसका कंजुगेट बन जाएगा। हमें चाहिए ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसका कंजुगेट लिया हुआ हमने, इसका ट्रांसपोज ले लें। ट्रांसपोज लेंगे तो रोज़ को कॉलम बना लें, ये रो है इसको कॉलम की शक्ल में ऊपर नीचे लिख दिया, ये कॉलम बन गया, ये रो है इसका भी कॉलम बना दिया, तो
तो ये हमारे पास आ गया। अब हमारे पास ए भी है और एक कंजुगेट ट्रांसपोज भी मौजूद है, हमने इनको ऐड करना है, ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज इनको ऐड करना है हमने, ऐड कर लें। ए की जगह पर ये आ गया अयोटा, वन प्लस अयोटा, वन माइनस अयोटा, ये ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ए कंजुगेट ट्रांसपोज ये हमने निकाला हुआ है, माइनस अयोटा, वन, वन माइनस अयोटा और अयोटा, ऐड कर लें इनको। ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज ऐड करेंगे तो पहला एलिमेंट पहले में, प्लस माइनस माइनस, तो ये हो गया अयोटा माइनस अयोटा, अयोटा माइनस अयोटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास अयोटा माइनस अयोटा। ये वाला एलिमेंट अपने सामने वाले, वन प्लस अयोटा प्लस वन, ये वाला अपने सामने में वाले में प्लस हो गया, वन प्लस वन माइनस अयोटा प्लस अयोटा, हमने सामने वाले एलिमेंट्स को आपस में प्लस कर दिया। ये आ जाएगा ज़ीरो, ये आ जाएगा वन प्लस वन टू प्लस अयोटा, ये वाला आ गया टू माइनस अयोटा, ये वाले दोनों कट गए तो ज़ीरो आ गया। तो ये हमारे पास आ गया है ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज़, ज़ीरो टू प्लस अयोटा, टू माइनस अयोटा और ज़ीरो, ये हमने फाइंड कर लिया। हमने साबित करना है कि ये जो आया है ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये हर्मिशियन है। हर्मिशियन है अगर, तो क्या करेंगे हम इसकी डेफिनेशन के मुताबिक, हम इसका कंजुगेट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। इसका कंजुगेट ले लें, ए प्लस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, इसका ये आया हुआ है, हमने इसका फिर कंजुगेट लेना है, कंजुगेट ले लिया इसका, इसका कंजुगेट लिया तो फिर उसकी अयोटा की लम्बे चेंज कर दें, ज़ीरो टू माइनस अयोटा, प्लस अयोटा था माइनस अयोटा हो गया, ये टू माइनस अयोटा है, टू प्लस अयोटा हो जाएगा, जहाँ जहाँ पर अयोटा उसकी लम्बे चेंज कर दें। तो ये हमने ए प्लस ए कंजुगेट के ट्रांसपोज का कंजुगेट ले लिया। हमें लेना है इसका ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज के कंजुगेट का ट्रांसपोज लेना है, हमें इसका ट्रांसपोज करना है। तो इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ये आ जाएगा कॉलम में, रो है कॉलम बना दिया इसको, ये रो है इसको भी कॉलम बना दिया। तो देखें ए प्लस ए कंजुगेट, हमने इसी को ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज को हर्मिशियन साबित करना था, तो हमने इसके कंजुगेट, इसका कंजुगेट निकाल के उसका ट्रांसपोज लिया, इसको पहले मालूम किया फिर उसका कंजुगेट निकाला फिर उसका ट्रांसपोज निकाला, तो ये आ गया। अब देखें ये जो आया है ये वाला, तो सारा यही चीज़ है, ज़ीरो टू प्लस एटा टू माइनस एटा ज़ीरो, और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल है, इसकी वैल्यू लगा दें, तो ये आया ए प्लस ए कंजुगेट के ट्रांसपोज के कंजुगेट का ट्रांसपोज इक्वल आ गया है इसके, यानी ए प्लस ए कंजुगेट के ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया है। तो यही इसकी हर्मिशियन की डेफिनेशन थी कि उसके कंजुगेट का ट्रांसपोज लिया जाए तो उसी के इक्वल आ जाए। तो देखें हमने इसके, इसके कंजुगेट का ट्रांसपोज लिया है तो वो इसी के इक्वल आ गया, इसी के इक्वल आ गया है, तो लिहाजा साबित हुआ। सो ए प्लस ए कंजुगेट ट्रांसपोज, ये वाला सारा जो है ये वाला इज हर्मिशियन, यही हमने इसमें साबित करना था। अब इसका दूसरा पार्ट है, दूसरे पार्ट में वो कह रहा है कि इसको सिक्योर मिशन साबित करें, सिक्योर मिशन, सिक्योर मिशन के लिए भी यही करेंगे, इनको माइनस करेंगे, पहले ए भी हमारे पास मौजूद है, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज वो भी हमने निकाला हुआ है, तो हम इन दोनों को अब माइनस करेंगे, इसमें प्लस किया था इसमें इनको माइनस करेंगे, सेकंड पार्ट, इसको हमने सिक्योर मिशन साबित करना है। पहले इसको मालूम करें, ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ए की वैल्यू वही लगा दें, अयोटा वन प्लस अयोटा, वन और माइनस अयोटा, अयोटा वन प्लस अयोटा, वन और माइनस अयोटा, ये ए की वैल्यू लगा दी, माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, ये वाला ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, माइनस अयोटा, माइनस अयोटा, वन, वन माइनस अयोटा और अयोटा, ये उसकी वैल्यू लगा दी, ये बनेगा हमारे पास ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, इनको माइनस कर लें, अयोटा माइनस माइनस प्लस अयोटा, ये वाला आ गया वन प्लस अयोटा माइनस वन, वन माइनस वन माइनस, इसको माइनस करना है तो इसकी लम्बे चेंज हो जाएगी, माइनस वन प्लस अयोटा, ये आ गया माइनस अयोटा माइनस अयोटा, आमने सामने वाले एलिमेंट्स माइनस कर दिए, ये आ गया टू अयोटा, ये आ गया अयोटा, ये वाला वन प्लस और माइनस कट गए तो अयोटा, ये वाला आ गया माइनस टू अयोटा, तो ये आया ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज, हमने मालूम कर लिया है, हमने पहले ये मालूम करना था ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज,
इसको सिक्योर मिशन साबित करना है, तो वही काम करेंगे इसके साथ भी। हम इसका कंजुगेट लेंगे और उसका ट्रांसपोज ले लेंगे। इसका कंजुगेट ले लें, अब इसका ये कंजुगेट ले लिया, कंजुगेट लेंगे तो इसका कंजुगेट क्या आ जाएगा, प्लस टू योटा है, इसकी लंबाई चेंज कर दें, जहाँ जहाँ पर योटा उसकी लंबाई चेंज कर दें, प्लस योटा है माइनस योटा कर देंगे, ये प्लस योटा है माइनस योटा कर देंगे, ये माइनस टू योटा है इसको प्लस टू योटा कर देंगे। अब हमने क्या करना है, ए माइनस ए कंजुगेट का ट्रांसपोज का कंजुगेट ये जो निकाला हुआ है, ये जो निकाला हुआ है हमने इसका ट्रांसपोज लेना है, हमने इसको स्क्यू एडमिशन साबित करना है। तो यही इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जिसको स्क्यू एडमिशन या एडमिशन साबित करना है उसका उसको मालूम करके उसका कंजुगेट लेंगे, उसको मालूम करके हमने उसका कंजुगेट ले लिया, अब उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये रो है इसको कॉलम बना दें, माइनस टू आयोटा, ये वाला माइनस आयोटा, ये कॉलम में आ गया, रो में था कॉलम में आ गया, ट्रांसपोज बना लिया, ये माइनस आयोटा और टू आयोटा रो में था, अब ये कॉलम बन गया, तो ये हमने इसका ट्रांसपोज निकाल लिया। देखें इसमें और इसमें कोई फ़र्क नहीं है, ये वाली दोनों सेम हैं, सिर्फ लामतों का फ़र्क है। तो हम ऐसा करते हैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं ताकि उसके इक्वल हो जाए। तो ये बन जाएगा हमारा ए माइनस ए कंजुगेट के ट्रांसपोज का, कंजुगेट का ट्रांसपोज माइनस कॉमन लिया तो इसकी लामतें चेंज हो जाएंगी, टू आयोटा प्लस आयोटा माइनस आयोटा प्लस आयोटा बन जाएगा और ये वाला माइनस टू आयोटा बन जाएगा, लामतें चेंज होगी बाय माइनस कॉमन लेने से। अब ये सारा जो है, ये सारा जो है ये तो यही चीज़ है ये वाली, और ये किसके चीज इक्वल है, इसके बाय माइनस इसी तरह से रहा, और ये सारा तो फिर इसी के इक्वल आ गया है, ए माइनस ए कंजुगेट के ट्रांसपोज के ही इक्वल आ गया है। तो देखें इसको हमने मालूम किया पहले, उसका कंजुगेट करके उसका ट्रांसपोज लिया तो वो उसी के इक्वल आ गया है, ये वाला देखें ये वाला और ये वाला एक ही चीज़ है, तो ये इसी के इक्वल आ गया, लेकिन बाहर एक माइनस भी आ गया है। इसका मतलब है सो हम कहेंगे ए माइनस ए कंजुगेट ट्रांसपोज इज सिक्योर एडमिशन, यही इसकी डेफिनेशन थी, हमने इसके मुताबिक इसको सिक्योर एडमिशन साबित करना था और हमने इसको सिक्योर एडमिशन साबित कर दिया। इसका क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन है इफ़ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स आर स्क्यू सिमेट्रिक, ए स्केयर सिमेट्रिक, कहता है अगर ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो तब भी साबित करेंगे ए स्केयर सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स गिवन ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक उसने दिया हुआ है, इसका मतलब है कि इसके ट्रांसपोज सिमेट्रिक है, इसका ट्रांसपोज इसी के इक्वल है, सिमेट्रिक होने का ये मतलब है, ये गिवन है हमारे पास, हमें साबित करना है कि ए स्केयर सिमेट्रिक है, ए स्केयर सिमेट्रिक साबित करना है, वी टू प्रूव ए स्केयर इज सिमेट्रिक, हमने ये साबित करना है कि ए स्केयर सिमेट्रिक है, इसको इस्तेमाल करना है और इसको साबित करना है कि ए सिमेट्रिक है। तो ए स्केयर सिमेट्रिक कब होगी, अगर ए स्केयर का ट्रांसपोज लिया जाए तो वो ए स्केयर के ही इक्वल आ जाए, तो यहाँ साबित हो जाएगा कि ये सिमेट्रिक है, तो यही काम हम इसमें करेंगे, ए स्केयर को सिमेट्रिक साबित करना है। ए स्केयर को लिखा जा सकता है, ए स्केयर का ट्रांसपोज ले लें, ए स्केयर को लिख सकते हो ए इंटू ए बार, ये ट्रांसपोज एज इट इज़ आ गया। अब ट्रांसपोज का आपको पता है, इसका ट्रांसपोज लगाएंगे और फिर इसका ट्रांसपोज लगाएंगे, जब ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट करेंगे तो पहले इसका ट्रांसपोज फिर इसका, और ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, वो तो ए के ही इक्वल है, इसकी जगह पर भी ये लिखा जा सकता है, इसकी जगह पर भी ये लिखा जा सकता है। तो देखें ये क्या आ गया, ये फिर ए स्केयर आ गया, हमने ए स्केयर का ट्रांसपोज लिया है, ए स्केयर का ट्रांसपोज लिया था तो वो ए स्केयर के ही इक्वल आ गया है, ये जो ब्रैकेट के अंदर अंदर चीज़ है इसी के इक्वल आ गया है, तो यही सिमेट्रिक की डेफिनेशन थी। सो ए सिमेट्रिक, सो ए स्केयर सिमेट्रिक, ये हमने साबित करना था कि ए स्केयर सिमेट्रिक है। तो ए स्केयर के ट्रांसपोज, ए स्केयर का ट्रांसपोज लिया है, वो ए स्केयर के इक्वल आ गया, तो साबित हुआ कि ए स्केयर सिमेट्रिक है। इसी तरह से ये अब कह रहा था कि ए सिमेट्रिक, दूसरा इसका पार्ट ये है, गिवन ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक है यानी ए ट्रांसपोज ए के ही इक्वल है, तो साबित करें स्क्यू सिमेट्रिक, सिमेट्रिक को हमने इधर कर लिया, अब स्क्यू सिमेट्रिक, गिवन ए इज सिक्यू सिमेट्रिक, ए सिक्यू सिमेट्रिक है, तो ए कंजुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल होगा, अब ये गिवन है हमारे पास, ए कंजुगेट का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, तो साबित करो कि ए स्केयर सिमेट्रिक है, वी टू प्रूव ए स्केयर इज सिमेट्रिक, हमने फिर भी यही साबित करना है कि ए स्केयर सिमेट्रिक है, यानी ए सिमेट्रिक है, ए सिमेट्रिक हो चाहे सिक्यू सिमेट्रिक हो, ए स्केयर ने सिमेट्रिक ही रहना है,
ये हमने साबित करना है। तो ए अब कोई कह रहा था स्क्यू सिमेट्रिक है, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए दिया हुआ उसने, तो हमें साबित करना है इसके सिमेट्रिक है। तो ठीक है, इसको सिमेट्रिक साबित करना है, इसका ट्रांसपोज ले लें। तो ए स्केयर को लिखा जा सकता है ए इंटू ए, ये उसका ट्रांसपोज आ गया। इस ट्रांसपोज को अंदर ऑपरेट करेंगे तो इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा, इसका भी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है, माइनस ए के, इसकी वैल्यू लगा दें, ये भी माइनस ए लगा दें, तो फिर ये क्या आ गया, ए स्केयर ही आ गया। तो देखो ए स्केयर का हमने ट्रांसपोज लिया था तो ए स्केयर के ही इक्वल आ गया, और यही डेफिनेशन है उसकी सिमेट्रिक होने की। सो ए स्केयर इज सिमेट्रिक, ये हमने इसमें साबित करना था। इसके बाद इसका करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ये एक मैट्रिक्स है, इसको ए को इसके कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करना है। पहले इसका कॉन्जुगेट निकाल लें, कॉन्जुगेट निकालोगे इसका तो एयोटे वाली लाम पे बदल देंगे, वन प्लस से ओटा है तो ये वन माइनस से ओटा हो जाएगा, ये प्लस से ओटा है तो माइनस से ओटा हो जाएगा। ये हमने कॉन्जुगेट निकाल लिया, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज हमें चाहिए, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर लो इसके कॉन्जुगेट, ये कॉन्जुगेट आया हुआ है, इसका ट्रांसपोज ले लें, इसका ट्रांसपोज लोगे तो ये कॉलम है इसको रो बना दो, तो ये आ गया इसका ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। हमें इसको ए को मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के साथ, ए को मल्टीप्लाई करना है ए कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के साथ। ए की वैल्यू ये है, ये लगा दी वन प्लस एयोटा और एयोटा, ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये है वन, वन माइनस एयोटा और माइनस एयोटा, तो मल्टीप्लाई करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है हमने। रो को करते हैं कॉलम के साथ, इस रो को तीनों कॉलमों से मल्टीप्लाई कर लें, इस रो में सिर्फ वन है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया वन इंटू वन वन, इस रो को इससे मल्टीप्लाई किया तो वन माइनस एयोटा, मल्टीप्लाई करने का तरीका आपको पता है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई किया तो माइनस एयोटा। अब ये दूसरी रो वन प्लस एयोटा है, उसको तीनों से मल्टीप्लाई किया, इसको इससे करेंगे तो वन प्लस एयोटा, इसको इससे करेंगे रो को दूसरे कॉलम के साथ तो हो जाएगा वन इंटू वन वन माइनस एयोटा स्केयर, वन माइनस एयोटा स्केयर। अब इस रो को इस कॉलम के साथ तो ये बनेगा माइनस एयोटा इंटू वन प्लस एयोटा। हमने पहली रो को भी तीनों कॉलमों से किया, दूसरी रो को भी तीनों कॉलमों से किया, अब तीसरी रो को इसको एयोटा को इन तीनों के साथ, एयोटा इंटू वन एयोटा, एयोटा इंटू दिस एयोटा माइनस एयोटा स्केयर हो गया, एयोटा को इससे मल्टीप्लाई किया। अब रो इंटू का ये हमने कर लिया इसको मल्टीप्लाई, इसको इसके साथ ये आ गया, इसको इसके साथ तो ये आ गया, अब ये रो को इस कॉलम के साथ रह गया माइनस एयोटा स्केयर, वो ये बन गया, ये हो गया वन, वन माइनस एयोटा वन प्लस एयोटा, एयोटा स्केयर का हमें पता है ये माइनस के इक्वल होता है, इसकी जब माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वन प्लस वन हो गया, ये माइनस एयोटा को अंदर ले जो माइनस एयोटा स्केयर बन गया, ये वाला एयोटा एज इट इज़ आ गया, ये वाला एयोटा इस एयोटा स्केयर को माइनस लिखेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन हो जाएगा, ये वाला एयोटा स्केयर इसको भी माइनस लिखा तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, एयोटा स्केयर माइनस वन के इक्वल होता है, ये हो गया वन, वन माइनस एयोटा वन प्लस एयोटा, वन प्लस वन टू माइनस एयोटा, एयोटा स्केयर की जहाँ पर माइनस वन लगाया तो माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ये वाला एयोटा एयोटा प्लस वन और ये वाला वन, तो ये हमने इसका मालूम करना था।